गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास फोर साइंस लेसन 13 नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी एक्टिविटी हो गई थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी दोनों में अंतर बताना है। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच ईदर नेवर गेट एक्सहूस्ड और आर रिप्लेस्ड नेचुरली विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल रिवर वाटर ईटीसी। सेकेंड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम वंस यूज अप आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम मिनरल्स ईटीसी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ इज सनलाइट यूजफुल टू अस, तो इसमें अपने को फर्स्ट नंबर डाल के लिखना है आंसर में। प्लांट यूज सनलाइट टू मेक फूड। सेकेंड, द सन रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द हग सोलर पैनल्स टू गेट सोलर एनर्जी। थर्ड है दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग हीटिंग वाटर ईटीसी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, आंसर है इसका पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बर्ड ब्राइड अंडर द ग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये जी एगो। क्वेश्चन फाइव है वॉट आर मिनरल्स, तो आंसर है इसका मिनरल्स आर सब्सटेंस फाउंड नेचुरली इन द अर्थ। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दे मेक अप द रॉक्स दैट कवर द अर्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट टू मेजर्स टू कंजर्व, तो फर्स्ट इसमें दिया है, देखिए बुक में दिया है फर्स्ट फॉरेस्ट, तो अपने उन्होंने लिख दिया है फॉरेस्ट, तो इसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखना है यूज न्यूज़पेपर एंड कार्डबोर्ड्स और फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। सेकेंड है इसी में डाल के लिखना है राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। फिर आता है अपना सोइल, बुक में दिया है सेकेंड, तो इसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखना है प्लांटिंग मोर एंड मोर, देखिए प्लांटिंग मोर एंड ये ए ने प्लांटिंग मोर एंड मोर, मोर के बाद ये फिर लिखा है ट्रीज ट्रीज, ठीक है ये मोर अलग है ट्रीज अलग है। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज। थर्ड है वाटर, तो वाटर में फर्स्ट नंबर डाल के लिखना है गेट लेकिंग टेप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। सेकेंड है टर्न ऑफ रनिंग टेप्स व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। तो ये अपना जो है लेसन नंबर 13 कंप्लीट होता है, तो ये अपनी फोटोकॉपी में आप नोट कर लेना।